हे गाइस, आज मैं आपके लिए टाइपिंग का काम लाया हूँ जहां पर आपको सिंपली कैप्चर्स को फिल करना है और अर्निंग करना है। गाइस, यहां पर मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी आप अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि यहां पर टोटली आप कितने कैप्चर को फिल करते हो उतनी आप यहां पर अर्निंग करने वाले हो। लगभग यहां पर जो भी अर्निंग होती है गाइस, वो US डॉलर में होती है, यानी कि आपको यहां पर अगर $1 की अर्निंग होगी तो कुछ लगभग 74 रुपीज तक होगी। तो दिन भर में आप $10 या $20 भी कमाओगे तो × 74 कर लेना। तो गाइस, इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए। और चलिए फटाक से मेरे मोबाइल के स्क्रीन। तो गाइस, आपको सिंपली अपने गूगल पर जाना है, वहां पर सर्च करना है कैप्चर टाइपर्स, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी गाइस, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर जैसे आप क्लिक कर लोगे तो नया इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप घुस चुके हो वेबसाइट के मेन पेज पे। अब यहां पर देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का। तो यहां पर हम लोग सिंपली रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी सिंपल है। टीम नेम यानी कि यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, और याद रखना गाइस, जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर दे रहे हो उसको आपको ध्यान रखना है। यूज़र नेम डालना है तो यूज़र नेम को बराबर याद रखना है, पासवर्ड सेट कर लेना है, इसके लिए उसी पासवर्ड को आपको रीटाइप पासवर्ड पर सेट कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दोगे, रेड ग्रीन कलर का टिक मार्क आ जाएगा, उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं अपने डिटेल फिल करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली सेव, प्लीज़ चेक योर मेल टू एक्टिवेट द अकाउंट। तो यहाँ पर आपने जो ईमेल एड्रेस डाला था अपना इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए, उस ईमेल आईडी पे आपको एक एक्टिवेशन लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम अपने उस ईमेल आईडी पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेल आ चुका है, तो सिंपली इस मेल पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा मेल है वो आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पर क्लिक हियर टू एक्टिवेट टीम अकाउंट, तो यहाँ पर सिंपली हमको क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो क्या होता है कि थोड़ा वेट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो टीम अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। तो अब यहाँ पर सिंपली 3 lines पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लॉगिन पे चले जाना है। लॉगिन पे जाओगे तो गाइज याद रखना, आपको अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने सेट किया था शुरुआत में वही डालना है, दूसरा आप नहीं डाल सकते। चलिए फटाफट मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट करके लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। गाइस, जब आप लॉगिन कर लेते हो तो आप आ जाओगे एक नए पेज पे जहाँ पर आपका अकाउंट जो है टोटली ओपन हो चुका है। यहाँ जैसे देख सकते हो वेलकम चंदन यादव। अब यहाँ पर गाइस यहाँ पढ़ सकते हो दिस इज़ योर एडमिन एरिया, प्लीज़ गो टू द एम्प्लॉयर मास्टर। तो यहाँ पर आपको एक नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा जो आपका रहेगा एम्प्लॉयर मास्टर का। सिंपली आपको एम्प्लॉयर मास्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एम्प्लॉयर मास्टर पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने एम्प्लॉयर मास्टर का एक नया फॉर्म फिलिंग का पेज खुल के आएगा, जहाँ पर आपको क्रिएट एम्प्लॉयर आईडी यूजिंग द फॉर्म बिलो टू वर्क इन द ऐप। यहाँ पर काम करने के लिए आपको अपना एम्प्लॉयर मास्टर बनाना है। गाइस, यहाँ पर आपको अपना नाम चूज करना है, एड्रेस डालना है जहाँ पर आप रहते हो, उसके बाद जो यूज़र नेम होता है ना गाइस, उसको आपको डिफरेंट रखना है। जैसे कि मेरा नाम था उधर पे आपको थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूज़र आईडी मैच नहीं खाती। उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेम रख सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं अपना ये सारे डिटेल फिल करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। गाइस, याद रखना इसमें आपको ईमेल देना नहीं पड़ता, क्योंकि ईमेल जो आपने फर्स्ट अकाउंट बनाया था अपना कैप्चर टाइपर्स पे, उस पे आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली एम्प्लॉयर अकाउंट बनाना है, जो होता है काम करने वाला अकाउंट, यानी कि वर्क करने वाला। यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुली सेव्ड, चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट द एम्प्लॉयर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर अकाउंट के लिए भी एक ईमेल आएगा जिसको एक्टिवेट करना है। तो चलिए फटाफट हम अपने ईमेल पे चलते हैं जहाँ पर हमको ईमेल आया रहेगा एम्प्लॉयर अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि यहाँ देख सकते हो एम्प्लॉयर नेम चंदन और यूज़र नेम देख सकते हो मेरा। सिंपली आपको क्लिक हियर एक्टिवेट योर एम्प्लॉयर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो एम्प्लॉयर अकाउंट रहता है वो हो जाता है एक्टिवेट। तो अब गाइस आपको बड़े ध्यान से देखना है मैं क्या करता हूँ, आपको वापस से लॉगिन करना है। बट जब आप लॉगिन कर रहे हो ना, तो आपको एम्प्लॉयर अकाउंट से लॉगिन करना है। एम्प्लॉयर अकाउंट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने यहाँ दो अकाउंट बनाए, एक आपने कैप्चर टाइपर्स का लॉगिन के लिए बनाया और एक एम्प्लॉयर का बनाया, दोनों आईडी अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले जब आप काम करने जाओगे, यानी कि जब आपको जहाँ पर कैप्चर सॉल्व करना है उसके लिए आपको एम्प्लॉयर अकाउंट डालना है, और जब आप पेमेंट को विड्रॉ करोगे उसके लिए आपको डालना है अपना कैप्चर टाइपर्स का, जो सबसे पहले आपने यूज़र नेम क्रिएट किया था वो डालना है। पासवर्ड दोनों का सेम रखना है गाइस, यूज़र नेम दोनों का थोड़ा 19-20 अलग रखना। तो गाइस, जैसे कि यहाँ देख सकते हो हेलो कैप्चर टाइपर्स, यहाँ पर कुछ कैप्चर्स शो हो रहे हैं आपको, इस टाइप के कैप्चर्स होते हैं, कुछ इमेजेस होंगे, इस टाइप के इमेजेस को कैप्चर्स कहते हैं गाइस, आप देख सको अच्छे से, क्योंकि आपको इसी टाइप के कैप्चर मिलने वाले हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको इस
फिर अर्निंग होने वाली है। देख सकते हो आप कैप्चर्स इसी टाइप के होते हैं, कुछ डिफरेंस नंबर इस टाइप के। तो यहाँ पर सिंपली आपको थ्री लाइंस पर क्लिक कर लेना है। थ्री लाइंस पर जैसे आप क्लिक कर लोगे गाइज, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कैप्चर एंट्री, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ क्लिक कर ले तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गेट कैप्चर करके तीनों ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर इस समय जो रेटिंग से देख सकते हो आप, करेंट रेट देख सकते हो, करेंट रेट जो है पर कैप्चर का 3000 सेंस मिल रहे हैं आपको। लगभग 3000 सेंस कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जब आप 3000 सेंस को कैलकुलेट करोगे इंडियन रुपीस में, तो पर कैप्चर का यहाँ ये वेबसाइट बोल रहा है 21 रुपये देगी। बट गाइस मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि इतने पैसे पर कैप्चर के नहीं मिलते, तो भी हम यहाँ पर खुद कैप्चर को सॉल्व करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये वेबसाइट कितना देती है पर कैप्चर पे। तो चलिए अब फटाफट हम अपने कैप्चर को सॉल्व करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इस वीडियो का। तो गाइस एक बात बताना चाहूँगा, जब आप कैप्चर को सॉल्व करने जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। क्योंकि जब आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लोगे तो जो आपका स्क्रीन रहता है ना मोबाइल का, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जहाँ पर आपको काफ़ी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली गेट कैप्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट कैप्चर पर क्लिक कर दोगे गाइस, तो यहाँ पर कैप्चर्स लोड हो रहे हैं। लोड होंगे तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कैप्चर आना शुरू हो गए MGHH, और इसको सिंपली आपको सबमिट कर देना। गाइस देख सकते हो हमारा पहला कैप्चर आ चुका है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो स्मॉल लेटर A में डालना है, P में डालना है, उसके बाद L डालना है, उसके बाद 1 डालना है, उसके बाद आपको डबल B डाल के सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना गाइस। तो इसको सबमिट करने के आपको लगभग देख सकते हो यहाँ पर मुझे अर्निंग हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो 60 डॉलर की अर्निंग हुई है गाइस। और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कैप्चर्स आने में थोड़ा टाइम लग रहे हैं। ये समय मतलब मैं काफ़ी सुबह वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए कैप्चर जल्दी नहीं आ रहे क्योंकि इस समय वहाँ पर रात होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। देख सकते हो वापस एक कैप्चर आ गया है। एस डाल देना है, डी डाल देना है, बी डाल देना है, ओ डाल देना है, सीधा कंटिन्यू कर देना है और आपकी जो अर्निंग है ना गाइस वो यहाँ पर आपको साइड में बढ़ती जाएगी। और मैं अभी आपको वीडियो के एंड में लास्ट में पेमेंट भी बताऊँगा कैसे आप पेमेंट को विड्रॉ करोगे, किस किस चीज़। यहाँ पर देख सकते हो एक और कैप्चर आ गया है। के डाल देना है, पी डाल दे देना है, पी फिर डाल देना है, यहाँ पर सी डाल दे, बड़ा सी डालना है, इसके बाद यहाँ पर आपको 4 डाल देना है, उसके बाद टी डाल के कंटिन्यू कर देना है। आपकी अर्निंग देख सकते हो यहाँ 19 सेंस हो गई है, 9090 सेंस। तो गाइस लगभग हमने 3 कैप्चर सॉल्व किए और हमारा यहाँ पर 0.00090 सेंस की अर्निंग हुई है। अब हम इसको विड्रॉ करने का प्रोसेस बताते हैं कैसे आप यहाँ विड्रॉ करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर आपको लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपको जाना पड़ेगा कैप्चर टाइपर्स के अकाउंट में। अब आप जिस अकाउंट में थे इस समय वो अकाउंट था एम्प्लॉयर्स का, अब आपको कैप्चर टाइपर्स के अकाउंट में जाना पड़ेगा जहाँ पर पेमेंट को विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कैप्चर टाइपर यानी कि जो आपने पहली बार आईडी बनाई थी उसका पासवर्ड और यूजर नेम डालना है। तो गाइस अब हम टीम एडमिन होम पे आ चुके हैं जहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि जो आपने पहली बार जो अकाउंट बनाया था उस यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल के आपको सिंपली लॉगिन करना है। अब यहाँ पर सिंपली आपको पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद माय अर्निंग पे क्लिक करना है। माय अर्निंग का मतलब जब मैंने वहाँ पर जितना कमाया, यहाँ देख सकते हो मैंने टोटल जो अर्निंग की है वो है 19 सेंस। अब इसको विड्रॉ कैसे करते ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जब आपको पेमेंट को विड्रॉ करना हो तो आपको रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए उसको पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गेटवे के। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इंडियन बैंक ओनली, तो यहाँ आप परफेक्ट मनी कुछ इस टाइप के यहाँ पर इंडियन बैंक ओनली पे क्लिक कर देना है। जब आप इंडियन बैंक ओनली पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ नीचे आपको आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक ब्रांच, IFSC कोड और बैंक एड्रेस डाल के सिंपली आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और जो भी अमाउंट रहेगी सिंपली आपके अकाउंट में आ जाएगी। गाइज यहाँ पर जो पेमेंट का विड्रॉल मेथड है ना
वो काफ़ी सिंपल है गाइस। और यहाँ पर जो कैप्चर्स की अर्निंग हो रही है फिलहाल की सुबह के टाइम पे बहुत कम हो रही है। और गाइस यहाँ पर ये वेबसाइट खुद बताता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हे गाइस यहाँ पर मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए, कैप्चर कैसे सॉल्व करते, कैप्चर्स होते कैसे, साथ में विड्रॉइंग प्रोसेस बता दिया और जो भी डिटेल होते हैं यानी कि आपको एम्प्लॉयर मास्टर्स पर क्लिक करके अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बनाना है और उनमें दो तीन बार आपको साइन अप करना है। तो गाइस यहाँ पर सिंपल फंडा ये है कि आप मेहनत ज़्यादा है और पैसे कम है। तो गाइस यहाँ ऑनलाइन में ये जो है कैप्चर्स में इतने ही अर्निंग होती है मैक्सिमम। तो अगर आपको कैप्चर टाइपिंग का काम पसंद नहीं आया होगा तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे काम होते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स के हो गए, जैसे कि rev.com के हो गए, ट्रांसलेशन के हो गए, ये सारे काम भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आशा करता हूँ गाइस कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।